हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और आप सभी का स्वागत है मनीषास किचन में। तो चलिए फिर आज की ये टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल मनीषास किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेपाली झोल मोमोज की रेसिपी। फ्रेंड्स, यकीन मानिए इतनी यम्मी, इतनी डिलीशियस बनती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दो प्याज काट लिए हैं, दो हरी मिर्च कट कर ली, और यहाँ पे मैंने सोयाबीन को अच्छे से इसे सोक करके अच्छे से स्क्वीज करके कट कर लिया है। आप हैंड चॉपर में भी कट कर सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चार प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, दो हरी मिर्च, धनिया के डंठल और चार मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसको बिल्कुल नॉर्मली कट कर लिया मैंने। और यहाँ पे अब हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और दो टेबलस्पून भर के हम यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। ऑयल थोड़ा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं दो टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर दूंगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। और यहाँ पे मैं प्याज और यहाँ पे हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। ये हमारी मोमोज की स्टफिंग बनके रेडी हो रही है फ्रेंड्स, और इतनी यम्मी बनती है। झोल मोमोज में सोयाबीन मोमोज बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप एक बार ये कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मैं एक टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, हाफ टी स्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून विनेगर, वाइट विनेगर है ये, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी। और एक टेबलस्पून मैं यहाँ पे लाल मिर्च का ये जो पेस्ट होता है वो मैंने ऐड किया है। रेड चिली सॉस भी आप ले सकते हैं, ये रेड चिली सॉस ही है, थोड़ा सा अजीनोमोटो, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर लीजिए। और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे अच्छे तरीके से सारे सॉस भुन जाए। और ग्रीन चिली सॉस होममेड थी फ्रेंड्स। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करें। बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन के रेडी होता है। और ये देखिए सारे सोयाबीन मैंने ऐड कर दिए और अच्छे से एक मिनट के लिए इसको भी भुन लेंगे। तो ये भुन गया और थोड़ा सा धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर देंगे और मिक्स कर देंगे और गैस बंद कर देंगे और इसको रखते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक कप मैदे का पहले से ही डो बना के रेडी किया है। नॉर्मली जैसे हम पूड़ी के लिए डो बनाते हैं, बिल्कुल टाइट डो आपको बना के रेडी करना है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, कोई नमक कोई ऑयल मैंने ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की लोई ली और ऐसे ही मैंने सारी लोई बना के रेडी कर ली है। वहाँ पे मेरी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो चलिए फिर अब मैं आपको मोमोज को फिल करके बताती हूँ ये किस तरीके से फिल करना। आज मैं आपको चार तरीके बताऊँगी मोमोज को फिल करने के। तो और इसको पहले अच्छे से आप बेल लीजिए। आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं मोमोज, वो टोटली आपके ऊपर है। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि साइड के जो एजेस होते हैं उसको अच्छे तरीके से आप थोड़ा पतला रखें और बीच में थोड़ा सा मोटा रखें ताकि वो स्टफिंग होल्ड कर पाए मोमोज। इस बात का आप ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा भी आपको शीट पतली नहीं कर देनी है वरना मोमोज फट सकते हैं, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने बेल लिया। मैं आपको एक एक मोमोज फिल करके बताती हूँ। तो सबसे पहले एक मेरे को सबसे अच्छा और सबसे इजी तरीका लगता है ये, तो ये पिंच किया और एक एक प्लेट हम लेते जाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ये अपने आप ही गोल मोमोज बनके बिल्कुल परफेक्टली, कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे मोमोज बनके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं अब आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ, ये तरीका भी बहुत इजी है। एक पिंच लीजिए, आगे बढ़ाइए, फिर पिंच कीजिए, आगे बढ़ाइए, और ऐसे कर करके आपका ये मोमोज बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा मोमोज। तो अब मैं आपको ये तीसरा तरीका, जो बिल्कुल सिंपल तरीका है, जैसे आप गुजिया को फोल्ड करते हैं वैसे आप पहले इसको सारे एजेस को चिपका लीजिए मोमोज के, और बीच में हल्का सा गैप दीजिए और दोनों एजेस को चिपका दीजिए आपस में। तो ये भी बहुत ही अच्छा मोमोज का शेप बन के रेडी हो जाता है। और जिसको बिल्कुल भी मोमोज की शीट बनाने नहीं आती है उसके लिए, या फिर फिल करना नहीं आता, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये देखिए, यहाँ पे मैं ऐसे आगे दोनों प्लेट हमने ली और आगे इसको पिंच करते करते हमने इसको, ये देखिए बिल्कुल बिल्ली के कान जैसा हमारा ये मोमोज बनके रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से मैंने सारे मोमोज बना के रेडी कर लिए और स्टीमर के नीचे मैंने पहले से ही थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था ताकि अच्छे तरीके से चिपके नहीं उसमें। इस बात का आप ध्यान रखिए। और गैस पे पहले से ही मैंने स्टीमर रख दिया था, जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तब आप उसमें स्टीमर ऐड कीजिए मोमोज का, और बस इसको 20 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिए, या फिर तब तक जब तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए। और
चलिए अब हम झोल मोमोज का यहाँ पे मसाला बनाएंगे। तो पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है, 10 से 12 मैंने यहाँ पे सोयाबीन लिए, रॉ सोयाबीन है, आपके पास छोटे वाले सोयाबीन हो तो आप वो भी ले सकते हैं, और 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे तिल लिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से लो फ्लेम पे हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो ये देखिए अच्छे से भुन गया, तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में मैं इसको पीस लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला, मैंने यहाँ रिफाइंड तेल लिया है, और 3 मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्ची डाली है छोटे साइज़ की, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ जीरा ऐड कर दिया, और 2 टेबलस्पून हम यहाँ पे धनिया, ये धनिया के बीज हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे, और ये इस झोल, इसको झोल मोमोज भी कहते हैं, अचारी मोमोज भी कहते हैं, और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च प्याज ऐड कर दूंगी, और धनिया पत्ता के डंठल, ये बहुत ही, इसे आप डालेंगे ना तो इतना अच्छा टेस्ट आता है कि यकीन मानिए, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। और इसको अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट के लिए, और अब हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे, और इसको भी अच्छे तरीके से स्टर कर लेंगे ताकि सारी सब्जी हमारी सॉफ्ट हो जाए अच्छे से, ताकि हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल दूंगी, तो मैं 1 टीस्पून और थोड़ा सा मैंने और नमक डाला है, 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दूंगी, और इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हो तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अच्छे कलर के लिए, या फिर सूखी कश्मीरी मिर्च हो तो। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दूंगी, और अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ढक के 5 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। अब 5 मिनट बाद ये देखिए सारे टमाटर प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए। मैं मीडियम फ्लेम पे कुकिंग कर रही हूँ, इस बात का आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा 2 पिंच यहाँ पे मैं ऑरेंज रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो या फिर कोई भी ना हो तो आप इधर कलर ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा कलर आ जाएगा, और ना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। और ये जो अभी हमने पाउडर बना लिया है मैंने अलग से, और अब देखिए अब हम अपना झोल बनाएंगे मोमोज का। यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल लिया मैंने, और 2 टीस्पून मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूंगी। ये तीनों का कॉम्बिनेशन पेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। और अगर आप काट के ऐड करना चाहते हैं अदरक लहसुन तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से सारे जो अभी हमने मसाला बनाया था सबको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और वो ड्राई पाउडर को भी मैंने उसी में मिक्स कर दिया था प्याज टमाटर वाले में, और सबको मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। और यहाँ पे मैंने घर के ग्लास से 2 गिलास और पानी डाल दिया, क्योंकि काफ़ी थिक लग रहा था, फिर ये पकेगा तो और थिक हो जाएगा। तो इसको अब अच्छे तरीके से स्टर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी, और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बस अब इसको अच्छे से बॉईल आने का वेट करेंगे। और इसको जब अच्छे से बॉईल आ जाएगा तब मैं इसमें आगे एक और इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी, तो आप पूरा वीडियो वॉच करें। तो ये देखिए मैं अच्छे तरीके से बॉईल आ चुका है, हमारी ग्रेवी पक रही है, इतना टेस्टी लगता है ये मोमोज के साथ। और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रेड केचप ऐड किया है, टमाटो केचप है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये झोल अचारी मोमोज, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आज मैंने इसको सोयाबीन मोमोज के साथ बनाया है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, फटाफट से हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे मोमोज भी अच्छे तरीके से स्टीम हो गए, कुक हो गए। तो अब बस अब यहाँ पे सारे मोमोज मैंने ऐड कर दिए, और यहाँ पे गरम गरम आप झोल ऐड करिएगा, और इसको गरम गरम में इंजॉय करिएगा, ठंड में गर्मी में, मतलब ये बहुत टेस्टी लगता है, एक अलग ही आपको टेस्ट आएगा इसमें, बिल्कुल ग्रेवी का भी, मोमोज का भी, अचारी का भी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर दूंगी सफ़ेद तिल, लुकिंग में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए बनके बिल्कुल रेडी है हमारे अचारी झोल मोमोज। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी, अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस।